नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और आज मतदान के नतीजे सामने आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ समय बाद आने शुरू हो जाएंगे। लगभग सभी एग्जिट पोल में यूपी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। अब तक के रुझानों के हिसाब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे आगे चल रही है। हालांकि कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा कि यूपी के लिए योगी उपयोगी हैं या फिर जनता को साइकिल की सवारी ज्यादा पसंद है। अब तक के रुझान बता रहे हैं कि किसान आंदोलन, कोरोना प्रबंधन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता ने भाजपा पर ही भरोसा जगाया है। रुझानों में ये स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिलता दिख रहा है। बहुमत का आंकड़ा 202 है। अगर बात उत्तर प्रदेश के इतिहास की करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने में कामयाब होती है तो ये एक नया इतिहास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 4 रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे। इसके साथ कई मिथक भी टूटेंगे। बता दें, 18 साल में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव लड़ा। इससे पहले 2003 में सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा था। इस बार सीएम योगी गोरखपुर से चुनावी मैदान में है। भाजपा की जीत के बाद ये तय होगा कि योगी आदित्यनाथ ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर ऐसा होता है तो देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता की कुर्सी में सवार होगा। प्रदेश में 70 साल के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ। ये अलग बात है कि यूपी में ऐसे कई मुख्यमंत्री हुए जो दोबारा सत्ता में तो आए लेकिन उनमें से किसी ने पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसमें संपूर्णानंद चंद्रभानु गुप्ता से लेकर हेमवती नंगन बहुगुणा तक के नाम शामिल हैं। ये सभी मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा सत्ता में काबिज हुए। किसी का पहला कार्यकाल 1 साल का था तो किसी का 3 साल का। बाद 2017 की करें तो तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। अब वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब एक बार फिर उनके सत्ता में वापसी के आसार दिख रहे हैं। अगर वो सफल होते हैं तो वो ना सिर्फ 1985 के बाद ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी पार्टी को लगाकर दूसरी बार सत्ता गिलाएंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे और राजनेता होंगे जिनके नेतृत्व में विधानसभा का निर्धारित 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई दल फिर सत्ता में वापसी करेगा। यदि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो लगातार 5 साल पूरा करने के बाद दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले भी पहले नेता होंगे। इसके अलावा यूपी में अब माना जा रहा है कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती है, उसकी सत्ता में वापसी नहीं होती। इस कारण कुछ मुख्यमंत्री को नोएडा जाने से बच के रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर उद्घाटन या शिलान्यास को लेकर कोई कार्यक्रम के सिलसिले में जाने वाली बात होती तो नेता नोएडा न जाकर अगल बगल या दिल्ली के किसी स्थान से इस कार्यक्रम को पूरा करते। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नोएडा जाने से डरने के बजाय वहां कई बार गए। उन्होंने नोएडा जाने के बाद भी लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहकर एक मिथक तोड़ दिया। लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी अब सुरक्षित रहती है या नहीं। अब कक्ली बस इतना ही। आप देख रहिए एशियन न्यूज इंडिया।